सांप्रदायिकता को सीधे सामने आने में ला जाती है, इसलिए वो राष्ट्रवाद का चोगा पहनकर सामने आती है। ये बात किसी और ने नहीं, मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। और जानते हैं आप, जब मेरे पत्रकार मित्रों ने मुंशी प्रेमचंद की इस कहावत का जिक्र किया तो मुझे पहले लगा नहीं नहीं मुंशी प्रेमचंद ने कहा ही नहीं होगा, या अगर कहा होगा तो उन्होंने भविष्य देख लिया होगा। फिर से गौर कीजिए दोस्तों, इस वक्त सांप्रदायिकता को सामने आने में शर्म आती है, इसलिए वो राष्ट्रवाद का चोगा पहनकर सामने आती है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंशी प्रेमचंद ने भविष्य देख लिया हो, ऐसा लग रहा है मानो मुंशी प्रेमचंद ने साल 2023 देख लिया हो। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत सरल है दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक कट्टरता पर नर्म है, और क्या भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ग्राफ सांप्रदायिकता उन्माद के बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी कि जितनी ज्यादा कट्टरता जितनी ज्यादा सांप्रदायिकता उतने ज्यादा बीजेपी को वोट्स। और आज ये मुद्दा मैं आपके सामने तीन मिसाल लेकर आया हूं दोस्तों। जिस तरह से पंजाब में वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह का उदय हुआ है, जिस तरह से कर्नाटक के चुनावों से ठीक पहले वहां पर सांप्रदायिक खिचड़ी पकाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, और जिस तरह से जुनैद और नासिर की हत्या हुई है और मोनू मानेसर के पक्ष में एक पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खामोश हैं, बीजेपी नर्म है, और ये मुद्दे उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं रुख करना चाहूंगा कर्नाटक का। आपकी स्क्रीन पर यह है रामचंद्र गुहा। आप जानते हैं रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखा है, और इस लेख में उन्होंने एक फ्रांसीसी स्कॉलर जैकी एसेयाग की एक किताब का जिक्र किया है, और उस किताब का नाम है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन साउथ इंडिया। आज से 20 साल पहले एक फ्रांसीसी स्कॉलर ने कर्नाटक का रुख किया था, और कर्नाटक जाकर उन्होंने उत्तरी कर्नाटक में मुसलमानों और हिंदुओं के रहन सहन का अध्ययन किया था। उनकी किताब के दो पहलुओं का जिक्र रामचंद्र गुहा अपने लेख में लिखते हैं। आप जानते हैं हर साल 12वीं सदी के बासवानंद के लिए एक सालाना उर्स होता है, एक सालाना त्योहार होता है, और बासवानंद का जो नाता था वो कृषि से था, खेती से था, और उनसे जुड़ा हुआ था कृषि में काम आने वाला ये जानवर यानी कि भैंस। हर साल जब भी बासवानंद के सम्मान में वो सालाना उर्स या वो सालाना त्योहार होता है ना, तो मुस्लिम और हिंदू एक साथ अपने भैंसों को लेकर पहुंचते हैं, अपने बैलों को लेकर पहुंचते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और आप जानते हैं इसी फ्रांसीसी स्कॉलर ने यह भी लिखा था कि दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक में ऐसे कई मंदिर हैं, कई मजार हैं, और इन मजारों और मंदिरों में हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। कहने को हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में बहुत फर्क है, मगर कर्नाटक के अंदर पारंपरिक तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक रिश्ता रहा है। मुसलमान व्यापारियों से हिंदुओं को फायदा होता है और हिंदू व्यापारियों से मुसलमानों को फायदा होता है। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले तक कर्नाटक के मंदिरों के बाहर मुसलमान जो हैं वो फूल बेचा करते थे। ये बात अलग है कि सरकार फिर एक फरमान लेकर आई और उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। और अब क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे जैसे कर्नाटक के चुनाव आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तेवर उग्र हो रहे हैं। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं की थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जब उन्होंने टीपू सुल्तान का राग अलापा था। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि टीपू सुल्तान को राज्य के मुसलमानों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। और फिर उसके बाद किसका बयान आता है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अश्वत्थ नारायण का, जो कहते हैं कि सिद्धरमैया को टीपू सुल्तान की तरह खत्म कर दो।
इतना भड़काऊ बयान, इतना भड़काऊ बयान। कल्पना कीजिए दोस्तों, यही बयान अगर किसी कांग्रेसी नेता ने कहे होते तो उसे जेल में डाल दिया गया होता, मगर अश्वथ नारायण ने यह बात कही। और भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुओं और मुसलमानों में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। याद कीजिए, बेवजह कर्नाटक के अंदर हिजाब विवाद को जन्म दे दिया जाता है, उसको लेकर वहां टकराव भी शुरू हो जाता है, मौत भी हो जाती है लोगों की। क्यों? एक अरसे से वहां की मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहन रही थी, मगर फिर उस विवाद को जन्म दिया गया, एक विवाद पैदा किया गया। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अध्यक्ष नलिन कतील के इस बयान की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि इन चुनावों में लव जिहाद मुद्दा है, सड़कें नौकरियां ये मुद्दा नहीं है। बड़ा प्रश्न ये कि एक नेता खुलेआम कह रहा है कि जिन मुद्दों का सीधा नाता आम इंसान की रोजी रोटी के साथ होता है, यानी कि सड़कें ड्रेन्स नालियां नौकरियां ये मुद्दा नहीं है, लव जिहाद मुद्दा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर उसे कर्नाटक के चुनावों में सफलता हासिल करनी है तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप इस तरह के मुद्दों को भड़काएं, लोगों को भड़काएं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है दोस्तों, जब से कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार है, वो किस मुद्दे को लेकर बदनाम है? भ्रष्टाचार। यह भी कहा जाता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में भारतीय जनता पार्टी 40% कमीशन लेती है। आपको खबर याद होगी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मगर वो भ्रष्टाचार से इस कदर परेशान हुआ कि बीजेपी के उस कार्यकर्ता ने ही आत्महत्या कर ली। अब जब इन तमाम मुद्दों को लेकर वहां की सरकार बदनाम है तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम का राग तो अलापा ही जाएगा, टीपू सुल्तान को फिर से जिंदा किया ही जाएगा, लव जिहाद के राग को फिर से अलापा ही जाएगा, यानी कि कट्टरता के सहारे वोट्स। सांप्रदायिक उन्माद पर पूरी तरह से खामोश रहो ताकि उसके सहारे आपको वोट्स मिले। और इसमें कोई छुटभैया नेता शामिल नहीं है, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कतील हो, अश्वथ नारायण हो, या खुद देश के गृहमंत्री अमित शाह। ऐसा कर्नाटक में हो रहा है दोस्तों, और ऐसा सिर्फ कर्नाटक में नहीं हो रहा है, राजस्थान की तरफ जाइए, हरियाणा की तरफ जाइए, खुलेआम इस तरह के आयोजन हो रहे हैं दोस्तों। मोनू मानेसर, जिस पर आरोप है जुनैद और नासिर की हत्या करने का, उसके पक्ष में आंदोलन हो रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं। उस महापंचायत में यह कहा जा रहा है कि अगर पुलिस आई तो आएगी तो अपनी टांगों में, मगर जाएगी बगैर टांगों के। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं खुलेआम। राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी पूरी तरह से बेबस है क्योंकि अशोक गहलोत साहब को भी वोट्स चाहिए, इसलिए वो इस मुद्दे पर नरमी बरत रहे हैं, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है दोस्तों। मगर मोनू मानेसर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। बीजेपी के नेता अप्रत्यक्ष तौर पर उसका समर्थन भी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ये मुद्दा जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका उतना ही ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। मगर दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि इसके चलते जो महापंचायत हो रही है ना, अगर आप उन महापंचायतों में जाओ और वहां पर लोगों की जुबान को सुनो तो ऐसा लगता है कि हम तालिबान शासित अफगानिस्तान में जी रहे हैं। उनके बयान, उनके कट्टर बयान, और कट्टरता सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। याद कीजिए, बजरंग मुनि, इस व्यक्ति ने मुसलमानों के नरसंहार की बात की थी। कांग्रेस के नेता पवन खेरा को तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर जब खुलेआम इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं तो इस पर पूरी तरह से खामोशी रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री, सो कॉल्ड कथावाचक, हिंदू राष्ट्र की बात करता है और देश के संविधान का अपमान करता है। आपके स्क्रीन पर सो कॉल्ड योग गुरु रामदेव भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था कि नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान जो है वो हिंदू लड़कियों को किडनैप करते हैं, आतंकवाद करते हैं,
यानी कि आप इस देश में बैठकर खुलेआम जो है इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यह एक ट्रेंड बन गया है दोस्तों। इस टूलकिट के पीछे सोच को समझिए। मैंने इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी नर्म है, क्या सांप्रदायिकता में बढ़ोतरी के साथ साथ बीजेपी की वोटों में बढ़ोतरी होती है। और अब इस शख्स पर गौर कीजिए, वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह। यह आदमी खुलेआम कह रहा है कि मेरा भारतीय पासपोर्ट हो जाने से मैं भारतीय नागरिक नहीं हो जाता। खुलेआम खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहा है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक है। जी हां, यह ना भूलिए किस तरह से हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब लेकर इन्होंने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया था अपने एक व्यक्ति को छुड़वाने के लिए। मगर अमृतपाल सिंह की कहानी ना बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि यह व्यक्ति आज से कुछ महीनों या कुछ सालों पहले तक, एक या दो साल पहले तक दुबई में बसा हुआ था। यह केशधारी सिख भी नहीं था, यानी कि ना इसकी दाढ़ी थी ना इसकी पग थी। ये मौना सिख था, यानी कि बाल कटा सिख। मगर फिर अचानक इसके मन में सिख धर्म की सेवा जो है वो भावना जागृत हो जाती है। अचानक ये खालिस्तान की बातें करने लगता है। रहस्यमय ढंग से ये व्यक्ति आया कहां से? और जिस वारिस पंजाब दे का ये मुखिया है, कुछ दिनों पहले तक इनके मुखिया थे दीप सिद्धू, जिनकी मौत हो गई थी एक सड़क दुर्घटना में। वही दीप सिद्धू जिन्हें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी देख चुके हैं, सनी देओल के साथ भी देख चुके हैं, और इनकी कई तस्वीरें देश के गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी हैं। अब मैं आपको अमृतपाल सिंह के एक बयान की याद दिलाना चाहूंगा। अमृतपाल सिंह ने अपने बयान में कहा था कि देश के गृहमंत्री अमित शाह सुधर जाएं। उन्होंने मिसाल दी थी स्वर्गीय शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपको मिसाल पवन खेरा की थी। मैं आपको ऐसी ढेरों मिसाल दे सकता हूं जहां सामान्य बयानों पर लोगों को जेल में डाल दिया गया है। सिद्दीक कप्पन को, पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 2 साल तक आतंकवाद की धाराओं में जेल में रखा गया। उसका गुनाह क्या था कोई नहीं जानता। और अमृतपाल सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो खुलेआम हमारे गृह मंत्री के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दे रहा है, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं। आज इन तमाम तथ्यों पर बात करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार क्यों नर्म है वारिस पंजाब दे पर? आखिर क्यों नहीं इस व्यक्ति पर कोई एक्शन लिया गया था जब उन्होंने देश के गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था? क्या कोई ऐसी हकीकत है जो देश की जनता को नहीं पता? क्या उस पर हमें विचार करने की जरूरत है? दोस्तों, आज जब अमृतपाल सिंह की बात हुई है ना, तो मैं कुछ और बातें भी आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 1984 के दंगे, 1984 का नरसंहार अपनी आंखों के सामने देखा था, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने मौत के घाट उतार दिया था। मैंने अपनी आंखों के सामने अधकटी सिखों की लाशों को उनके घरों तक पहुंचते देखा था। मैंने अपनी आंखों के सामने गुरुद्वारों को जलाए जाते देखा था। मैंने वो सारा मंजर अपने सामने देखा था। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि मैं कॉलेज में था और मैं एक यूथ फेस्टिवल में जा रहा था। मेरे आगे 2 या 3 बसेस थी। उस बस को रोका गया, हिंदुओं को उतारा गया और खाड़कुओं ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, यानी कि आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये सब चीजें दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं उस समय को जानता हूं। इसलिए आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि ये राजनेता क्या खेल खेल रहे हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा। क्या आप इस बयार में बहकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं? आप में से कई लोग 1984 में पैदा नहीं हुए होंगे, मगर अपने मां बाप से पूछिए, अपने दादा दादियों से पूछिए, उनसे पूछिए कि कुछ सिखों के लिए वो हालात कितने खराब हैं, पंजाब में बसे कुछ हिंदुओं के लिए वो हालात कितने खराब थे।
उस अध्याय को दोबारा मत पलटिए, दोबारा उस पन्ने को अपने सामने मत खोलिए। देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंद वोटों के लिए देश को अराजकता की तरफ, सांप्रदायिक उन्माद की तरफ मत ढकेलिए। इस देश के सामने कई चुनौतियां हैं, हम उन चुनौतियों का सामना करें। से नो टू कॉम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को ना कहिए। वो ताकतें, वो शक्तियां जो आप में और हम में बंटवारा पैदा करती हैं, उन्हें मना कीजिए, वरना आप और हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आप और हमारी बातें छोड़िए, आप और हम अपने बच्चों का, अपने मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे और वो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। वो पलटकर हमसे जरूर पूछेंगे कि आपके पास मौका था सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का, मगर आप खामोश क्यों रहे? तब क्या आप उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे? मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।